अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है? ठीक हो? तो जो दोस्त चैनल पे नहीं हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करें। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन लाजमी कर लें। तो आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हम शुरू कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा बिजनेस भी आप इसे दुनिया का कह सकते हैं। और इसी से हम शुरू करेंगे सीखने से कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। सबसे पहले उसको देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको फर्स्ट टाइम फॉरेक्स का नाम जहन में आ रहा होगा। तो अगर आप मेरे कोर्स को फॉलो करेंगे, ये कोर्स आपके लिए फ्री है, टोटल 100% फ्री होगा। और अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से सीख के अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट, जिसे हम आम तौर पे फॉरेक्स मार्केट या फिर एफएक्स मार्केट के नाम से भी जानते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी मालियाती मार्केट है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, अगर हम इसका मुवाजना फॉरेक्स के साथ करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रोजाना बेसिस पे 22.4 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। इसके मुकाबले में अगर हम फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें रोजाना बेसिस पे 5 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार होता है। और ये इतना बड़ी मंडी है जिसमें 5 ट्रिलियन डॉलर का एक कारोबारी हजम मौजूद है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग को इसी वजह से मैंने स्टार्ट करते हुए पहले आपसे बात की है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ी मार्केट है। इसको समझने में टाइम लगेगा और समझने के साथ साथ आप इसको प्रॉपरली सीख के अगर आप इसको करेंगे तो आप इसमें कामयाब हो सकेंगे। अदरवाइज इसमें जो रिस्क के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बड़ी मार्केट होने के साथ साथ इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 22.4 बिलियन डॉलर एक दिन में ट्रेड करती है। अगर हम इसको एक मालियाती देव के तौर पर पेश करें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, यानी कि हम इसे मालियाती देव के नाम से पुकार सकते हैं। आपने अक्सर NYSE अक्सर देखा होगा न्यूज़ में या फिर ब्लॉग्स के ऊपर या फिर डिफरेंट वीडियोस के ऊपर आपने इसका जिक्र जरूर सुना होगा, अगर आप बिजनेस के रिलेटेड थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन या कुछ सर्च करते हैं। तो इसका मतलब है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये आप अक्सर खबरों में देखते हैं जिसमें NBC के न्यूज़ के ऊपर आप इसका अक्सर जिक्र सुनते हैं। ब्लूमबर्ग जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट, आप इस पर इसका जिक्र सुनते हैं। BBC जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट है, आप इस पे भी इसका जिक्र सुनते होंगे। आप अक्सर सुनते होंगे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आज ऊपर जा रही है। जब लोग मार्केट के बारे में बात करते हैं तो दरअसल वो स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे होते हैं। चनाचे जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी आवाज हमेशा बुलंद रहती है, शोर में रहती है और ये पूरी दुनिया में अपना एक असर और रसूख रखती है। लेकिन अगर हम इसका मुवाजना फॉरेक्स के अंदर करें तो ये ऐसे ही है जैसे एक न्यूयॉर्क एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज है वो फॉरेक्स के आगे एक बच्चे की हैसियत रखती है, यानी कि इतनी छोटी मार्केट है फॉरेक्स के अंदर। तो इसलिए फॉरेक्स इससे बहुत बड़ी मार्केट है। अब यहाँ पे हम कराची स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र भी थोड़ा सा करना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 75 मिलियन डॉलर का डेली का ट्रेड करती है। यानी कि आप देखिए जो दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज है वो बिलियंस में कारोबार करती है और हमारी जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है वो जस्ट 75 मिलियन डॉलर का ट्रेड करती है। और अब इसके अंदर अगर आप इसका मुवाजना करें फॉरेक्स के साथ तो कहाँ पे 5 ट्रिलियन डॉलर्स और कहाँ पे 75 मिलियन डॉलर, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम 5 ट्रिलियन डॉलर रोजाना की ट्रेड की बात करते हैं तो इसका मतलब है दुनिया भर की गैर मुल्की एक्सचेंज मार्केट का कुल सरमाया होता है। लेकिन जब हम स्पॉट मार्केट में कारोबार करते हैं तो इसका हजम तकरीबन 1.48 ट्रिलियन डॉलर का होता है। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि फॉरेक्स आकर है क्या, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, इसमें करेंसी और कमोडिटीज के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। कमोडिटीज मतलब आप ऑयल में, आप इसके गोल्ड में और डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको प्रॉपरली चीज़ों की अगर समझ आ जाती है तो देन आप इसको स्टार्ट करें, अदरवाइज जो है वो इसको काफ़ी रिस्की हो सकता है आपके लिए।
तो फॉरेक्स इंशाल्लाह मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा और एडवांस लेवल का सिखाऊंगा। रोजाना बेसिस पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में तब्दीली लाना चाहते हैं और आप घर बैठे इंटरनेट से अर्निंग करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।